शहर में वक्फे से बारिश, कभी तेज और कभी हल्की फुहार, बादल गरजते और बरसते रहे। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। समनाबाद में 4 मिलीमीटर, जेल रोड, गुलबर्ग, गुलशन रावी और ताजपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज मजीद बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। फिसलन की वजह से शहरी तेज रफ्तारी से परहेज करें। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 हम सफर ऐप से मालूमात के हसूल की भी हिदायत। सानहा साहिवाल पुलिस एहलकारों ने खुद अपनी गाड़ी पर फायरिंग की। खलील की गाड़ी से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। बच्चों को बाहर निकालकर दोबारा गाड़ी पर फायरिंग की गई। जीआईटी ने खलील और उसकी फैमिली को बेगुनाह करार दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की मकतूल खलील के भाई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानहे में मुलाफिस अफसरान ने केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मकतूल के बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपये का ट्रस्ट बनाने का भी ऐलान। आमदन से जायद असासे अलीम खान के खिलाफ तहकीकात में तेजी। नैब लाहौर का अलीम खान के दफ्तर गुलबर्ग में छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात और दुबई में फ्लैट्स की मालूमात भी हासिल कर ली गई। दर्जन से जायद प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ने साबिक वजीर के रिश्तेदार फराज चौधरी समेत 3 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब मुकदमात से कुछ नहीं निकलेगा, पीकेएलआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौकफ की जीत है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की कैंप जेल आमद, ख्वाजा बरादरान से मुलाकात। नैब केसेस और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नैब हमारे खानदान को हिरासा कर रहा है, लीगी रहनुमाओं का शिकवा, पार्टी आपके साथ खड़ी है। हमजा शहबाज की यकी दहानी, शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, सियासी अमूर पर मुशावरत। अहले लाहौर को चौके छक्के देखने को मिलेंगे या नहीं, पाक भारत कशीदगी। पीएसएल पर खदशात के बादल मंडराने लगे। लाहौर के मैचेस कराची में मुंतकल करने की तजवीज। कजाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल होंगी या नहीं, फैसला आज मतवके। तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी, शायकीन देखने के मुंतजर। पीएसएल को लाहौर से कराची मुंतकल करने में कोई सच्चाई नहीं, मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तर्जुमान पीसीबी। पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का आज़्म, बड़े इवेंट के लिए बड़े इंतजाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पीएसएल सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास। आईजी पंजाब समेत मुतलका अफसरान की शिरकत। तमाम महकमों को रवाबित बढ़ाने की हिदायत। बड़े मैचेस के लिए सिक्योरिटी के भी बड़े इंतजाम। खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तमाम इदारे तैयार। पुलिस ने सिक्योरिटी अखराजात के लिए 5 करोड़ रुपए मांग लिए। जज्बा खैर सगाली के जवाब में हैवानियत, अमन के बदले जारियत। भारतीय पायलट की जिंदा वापसी के बदले मैयत, भारतीय जेल में कैद बेकसूर। शाकिर अली की मैयत पाकिस्तान के हवाले। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम ने लाश पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला फजील असगर और डीआईजी जेल खानाजात मलिक मुबशर ने मैयत को कंधा दिया। डेप्टी कमिश्नर सवाले सईद भी लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी के लिए मौजूद। शाकिर उल्ला को जुनूनियों ने जयपुर जेल में कत्ल कर दिया। जहनी माजूर शाकिर उल्ला 2003 में गलती से सरहद पार कर गया था। भारत आग से खेल रहा है, होश के नाखून ले। पाक फिजाइया ने 2 तैयारे गिराकर भारत पर अपनी धाक बिठा दी। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। पुलवामा हमले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, अमन की ख्वाहिश है लेकिन जारियत का मुकाबला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में अमरीका भी किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर पंजाब का भारतीय जारियत के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट को खत लिखने का ऐलान।
जंग नहीं अमन, शहर भर में रैलियां, मुजाहरे और सेमिनार। भारतीय तैयारी गिराने पर पाक फिजाइया को खराज तहसीन। पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। रेलवे मुलाजमीन की डीजल शेड के बाहर एहतजाजी रैली। पाक फौज के शाना बशाना चलने का अज़्म। नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन की चाइना चौक पर रैली। भारत के खिलाफ नारेबाजी, तहरीक इंसाफ की। डिफेंस में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। पाक फौज की बहादुरी को सराहा। अमन की जाने पाकिस्तान का एक और कदम। दोस्ती बस के बाद समझौता एक्सप्रेस भी चलाने का फैसला। समझौता एक्सप्रेस कल से शेड्यूल के मुताबिक भारत रवाना होगी। भारत अमन से रहे वरना हम भी बहुत गर्म हैं। भारतीय पायलट को वापस करना हल्की फुल्की मौसीकी है। फिर कोई आया तो फिर पकड़ लेंगे। जंग मसाइल का हल नहीं, जितनी टल जाए उतनी बेहतर है। हरीसा खाने गया तो लाहौरियों ने कहा जंग नहीं हुई मजा नहीं आया। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। दिल ब्लड प्रेशर हैजा के मरीज खबरदार। स्ट्रिल फार्मा की तीन अद्वियात मुजरे सेहत करार। मरीज स्ट्रिल फार्मा की तैयार करदा अद्वियात इस्तेमाल ना करें। दिल और ब्लड प्रेशर की दवा एबेसी कार्ड में गलती से दीगर अज्जा शामिल होने का इंकशाफ। कै की दवाएं ग्रेविनेट और हैजा की मेट्रोडीन DF भी तर्क करने की हिदायत। महकमा सेहत के तीनों अद्वियात मार्केट से उठाने के अहकाम। स्ट्रेल फार्मा ने नाकिस अद्वियात क्यों तैयार की। सेहत के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़ क्यों। महकमा सेहत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स तैयार की जाएगी। मुशीर सेहत हनीफ पताफी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। चीफ ड्रग कंट्रोलर मुनव्वर हयात का कहना है कि फैक्ट्री से मशकूक अद्वियात कब्जे में ले ली। स्ट्रेल फार्मा की 3 लाख गोलियाँ रोक दी गई। अदायगियों के बावजूद शहर गुल जीरो वेस्ट ना हो सका। जगह जगह कूड़े के ढेर, कूड़े दानों से ताफुन फैलने लगा। शहरी परेशान। MD LWMC का शहर के 200 मकामात से कूड़ा उठाने का दावा। 12,000 टन में से 6,000 टन कूड़ा उठा लिया। जल्द शहर को साफ करने का। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा बारिश में ही सड़कों पर निकल आए। शादमान, गुलबर्ग, हाली रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का जायजा लिया। MD की सोमवार की शाम तक शहर से सारा कूड़ा उठाने की यकीन दहानी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। मलेशियन कंपनी की सस्ते घरों की तामीर सरमायाकारी की पेशकश। मलेशियन कंपनी के दो रुकने वफ़द की सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद से मुलाकात। 70 साल बाद भारत तकसीम जबकि पाकिस्तान मुत्तहिद। पाकिस्तान की सियासी अस्करी कयादत और मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वजीर आजम की पॉलिसीज पर सबको एतमाद है। हम भारत को आज भी मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। कश्मीर का मसला हल करना होगा। वफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी का सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। पाक फौज दोस्त को धोखा, दुश्मन को मौका नहीं देती। हसन सदीकी पूरी कौम का फख्र है। मोदी को चाहिए अब सियासत छोड़कर चाय बेचे। वजीर आजम ने अभी नरेंद्र को छोड़कर अमन का पैगाम दिया। वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान की आरिफ मेमोरियल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजाब में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मुतलका इसला के डेप्यूटी कमिश्नर से 3 माह बाद भी अरासी के लिए लिखे गए मुरासले का जवाब न दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तालिबात के लिए नया ड्रेस कोड जारी। तालिबात के जीन्स, टाइट, चूड़ीदार पैजामे, स्किन फिट कपड़े पहनने पर पाबंदी। पाबंदी ना करने वाली तालिबात को 5,000 जुर्माना होगा। तालिबात सिर्फ शलवार कमीज पहन सकती हैं। दुपट्टा और स्कार्फ लेना लाजमी करार। इत्तलाक 11 मार्च से होगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले को 10 बरस बीत गए। दहशतगर्दों ने लिबर्टी गोल चक्कर पर गैर मुल्की टीम के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने सीने पर गोलियां खाकर इस हमले को नाकाम बना दिया। हमले में 5 अहलकार शहीद और श्रीलंकन टीम के 6 खिलाड़ी जख्मी हुए।
पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 में एलाइट स्कूल की जानिब से रियाजी के सालाना मुकाबले, मुल्क भर से एलाइट स्कूल के 43 तलबा ने हिस्सा लिया। जानवरों से प्यार करो, आलमी यौम जंगलात हयात की मुनासबत से लाहौर चिड़ियाघर में मुसव्वरी के मुकाबले, तालीमी इदारों के तलबा की भरपूर शिरकत, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। करता है जमाना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। याद करता है जमाना उन इंसानों को। अलहमरा में म्यूजिकल नाइट, गुलकार ता खालिद बेग और ताहिर दाफू की शानदार परफॉर्मेंस, ढोलची अरिश्मा ने भी खूब परफॉर्म किया।